नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने में लोगों ने दिखाई जागरूकता। जी हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ के अंतर्गत वैक्सीनेशन का कार्य सुबह 10 बजे से शुरू होता है, जबकि लोगों में जागरूकता के कारण प्रातः 7 बजे से ही सैकड़ों की तादाद में लोग लाइन में लग जाते हैं। वार्तालाप के दौरान मालूम हुआ कि लोगों में अब जागरूकता दिखी है। सुबह 10 बजे से दोपहर 3:15 के अंतराल तक दो अलग अलग कैंप में 240 प्लस 114 टीके लग चुके थे, जिसके बावजूद लगभग 250 से अधिक लोगों को कतार में लगे देखा गया, जिसमें वृद्ध माताएं बहनों के साथ 9 युवकों ने दिखाई जागरूकता। लोगों से वार्ता करने पर पता चला कि लोग अभी तक अफवाहों से डरे हुए थे। इससे साफ पता चलता है कि लोगों को सही जानकारी नहीं थी। सूचना नेटवर्क के लिए बाराबंकी से अनिल पाठक की रिपोर्ट। यहां पे खड़ी हुई हैं। हम लोग 10 बजे से आई हुई हैं। सवा तीन। आपको सूचना दी गई थी कि आप यहां पे आकर टीका लगवाएं? नहीं, आपके गांव में जाकर के कैंप लगा था पहले। कैंप में क्यों लगवाया था? बाहर थी इसलिए। भाई थोड़ा बोलिए, कितने बजे से खड़ी हैं? 12 बजे से खड़ी हुई। आपके गांव में कैंप लगा था ना? कैंप लगा था तो जब डर लग रहा था। तो आपको डर लग रहा था, अब यहाँ पे डर नहीं लग रहा है? चलिए, डर खत्म, मजबूरी नहीं है ये, आपके जीवन की सुरक्षा है ये, तो मजबूरी बोल रहे हैं। अरे पहले नहीं मालूम रहा, नहीं तो इससे आराम में लगवा लेते। चलिए बहन जी, इधर मुख, कितनी देर से आप यहाँ पे खड़ी हैं? 10:30-11 बजे से। बच्चा आपके साथ में? 10:30-11 बजे से। कोई समस्या आ रही है यहाँ पर? कोई समस्या नहीं। कैंप आपके दरवाजे पर लगवाया गया होगा, आपके घर गांव में कैंप वैक्सीनेशन का, आप गांव नहीं गए? इधर बता दो। दादाजी क्या नाम है आपका? किस गांव से आए हुए हैं? बलवापुर से। वैक्सीन के लिए आए हैं? इससे पहले पहला टीका लगा आपको? नहीं लगा है। तो आपके गांव में तो कैंप लगा होगा ना? आपके गांव क्यों नहीं लगवाया था? कारण बताइए, किस लिए नहीं लगवाया था? यहाँ आपको परेशानी हो रही होगी, जब आप घर पे लगवाने गए थे तो आप नहीं लगवाया, यहाँ आराम मिल रहा है आपको? क्या नाम है आपका? किस गांव से आए हुए? किस लिए आए हैं? आपके गांव में कैंप लगा हुआ ना? कैंप नहीं लगा? पहले लगा हुआ था, तो भैया जी किसी प्रकार की सुविधा यहाँ पर?